है गाइस, आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट ASRB नेट प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चंस दैट इज़ आस्क्ड इन 2021। जैसे कि जो ARS नेट वाले हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो रिलीज़ नहीं करते हैं। सो मैंने कल ये एग्ज़ाम दिया था, तो उसे जितने भी क्वेश्चंस मुझे याद होंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बता दूंगी, एज कि आपको आइडिया हो जाए कि जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से पूछा जाता है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सिंक कर लें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो काफ़ी क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट्स के बारे में, दैट इज़ टॉपिक फ्रॉम मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले टॉपिक से, मिनरल ट्रांसपोर्ट से। उसके बाद एक क्वेश्चन रबर टैपिंग के बारे में भी पूछा गया था। फिर उसके बाद कोकोनट टॉडी के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस थे। फिर सॉल्यूशंस में से काफ़ी क्वेश्चंस थे, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटॉनिक आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस, इनके ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स आए थे। देन उसके बाद ड्रॉट के बारे में भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद जो कट फ्लावर्स हैं उनके बारे में भी दो तीन क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन ऐसे था कि कट फ्लावर्स को जो है वो किस में स्टोर किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन था कि कट फ्लावर्स जो है उनकी शेल लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या डालते हैं, उसमें चार ऑप्शन थे तो उसमें से एक सेलेक्ट करना था। फिर काफ़ी क्वेश्चन थे जो लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स के बारे में पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन जो था वो डे न्यूट्रल प्लांट्स के ऊपर भी था। फिर डेल्टा जी है वो क्या सिग्निफाई करता है उसके बारे में क्वेश्चंस थे, उसमें भी चार ऑप्शन थे, उसमें से आपको बताना था। फिर लाइपोफिलिक फॉस्फोलिपिड्स के बारे में क्वेश्चन थे। उसके बाद PS1 PS2 के बारे में क्वेश्चंस थे। फिर TI प्लाज्मिड के बारे में क्वेश्चन थे, और प्लांट हार्मोन से तो भर भर के क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन बोल्टिंग का था, और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे नहीं हैं बट अभी मुझे याद आ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। एब्सिसिक एसिड के बारे में क्वेश्चंस थे। फिर जिबरलिंस के बारे में क्वेश्चन थे, उनके जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस थे, और जो केल्विन साइकिल है उनके बारे में क्वेश्चंस थे, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। सो गाइस, ये सब टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाइए फॉर एमिंग फॉर ASRB नेट प्लांट फिजियोलॉजी। थैंक यू सो मच।